गुड आफ्टरनून, माय नेम इज पवन कुमार। आज हम लोगों ने सेकेंड सेमिनार टॉपिक है जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक है मेंटेनेंस, फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव और मेंटेनेंस। ऑब्जेक्टिव और मेंटेनेंस के बाद है इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस के बाद है क्या मेंटेनेंस का किया क्या टाइप टाइप के बाद देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज के बाद देखेंगे कि जब इसका कुछ एडवांटेज होता है तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेंटेनेंस से शुरू करते हैं। मेंटेनेंस आने का मतलब है मेंटेनेंस एक छोटा सा चीज नहीं है, मेंटेनेंस शब्द छोटा है लेकिन इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है। जैसे इसमें है मैकेनिकल फील्ड में, तो मैकेनिकल फील्ड का जो भी कहिए रीढ़ जो बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन है मेंटेनेंस किसी भी मशीन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अपना ह्यूमन बॉडी है उसको भी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, उसका भी मेंटेनेंस जरूरी है। तो मेंटेनेंस का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, जचने के लिए जो हम काम करते हैं उसे उसी को मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस कैन बी डिफाइंड एज द सप्लाई एंड रिपेयर एक्शन टेकन टू कीप फोर्स इन कंडीशन ऑफ कैरी आउट मिशन। जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा मिशन होता है उसके प्रति हम लोग यही चीज़ होता है कि हम लोग उस पर 100% दें। ये चीज़ है कि उस पर 100% देंगे उसका जो इफिशियंसी रहेगा उसका बरकरार रहेगा और इसमें जो भी हम लोग काम करेंगे उसका प्रोडक्शन रेट रहेगा उस क्लियर रहेगा, उस जो चीज़ हमको चाहिए फुल्ली 100% मिलेगा। तो जिसके लिए किसी भी काम को करने के लिए एक बार मेंटेनेंस चेक जरूर कर लेते हैं कि हाँ हम उस मशीन पे काम करने जा रहे हैं वो चीज़ है कि नहीं, मशीन मेंटेनेंस में है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी औजार को लेकर के चले हैं उस पर पहले से प्री प्लान नहीं किए कि हाँ मेंटेनेंस में है कि नहीं, वहाँ जाने के बाद जब उसको ऑन किए या जो भी कुछ स्टार्ट किए तो मेंटेनेंस में नहीं होता है तो वहाँ पे हमारा कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। तो जिसके लिए ये किसी भी कंपनी के लिए बैकबोन है, मेंटेनेंस बैकबोन है। मेंटेनेंस का डिफिनेशन को देख लिए, ऑब्जेक्टिव और मेंटेनेंस इसका क्या पर्पस है, मेंटेनेंस आखिर है तो क्या करें, इससे हमको क्या करना चाहिए। तो ये करता है टू मिनिमाइज द मशीन ब्रेकडाउन ड्यूरिंग ऑपरेशन। हम किसी काम को जब करते हैं तो ये मेंटेनेंस का मतलब है कि कम से कम ब्रेकडाउन टाइम जो मशीन ब्रेकडाउन ड्यूरिंग ऑपरेशन है मिनिमाइज उसको कम से कम किया जाए। तो ये चीज़ होता है कि मशीन रुके नहीं, जो मान के चलिए जिसका जिस मशीन का जितना कैपेसिटी है वो हर आदमी चाहता है, हर कंपनी चाहता है कि उसका यूटिलाइजेशन ऊपर से हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्टिमम। दूसरा है टू मिनिमाइज द प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम को मिनिमाइज किया जाए। टू मिनिमाइज द रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट, जब हम मेंटेनेंस प्रॉपर वे में करते रहेंगे तो रिपेयर टाइम को मैनेज करते रहेगा, कॉस्ट उसका कम लगेगा। टू मिनिमाइज एक्सीडेंट, जब मेंटेनेंस मशीन रहेगा तो उसका एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम रहेगा। एक्सीडेंट होने का चांसेस इसलिए कम रहेगा जैसे कि मान के चलिए हम पहले से प्री प्लान है उसके प्रति हम लोग जागरूक हैं और उस चीज़ है तो उसमें एक्सीडेंट का चांस कम रहेगा। तो मिनिमाइज द टोटल मेंटेनेंस को, जब हम मेंटेनेंस प्री प्लान रहेंगे तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हमको बहुत कम ही लगेगा, ना के बराबर लगेगा। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जब मशीन अच्छा से काम करेगा तो उसका जो कार्य करने का कैपेसिटी रहेगा वो ऑप्टिमम रहेगा, वो मैक्सिमम लेवल पर रहेगा। मैक्सिमम लेवल तो इसलिए रहेगा वो नया किस तरह काम करेगा, वो सुचारू ढंग से काम करेगा। इसलिए पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव है मशीन का मेन ऑब्जेक्टिव यही सब है। इसके आगे हम लोग कहते हैं इम्पोर्टेंस, लगभग लगभग ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस बराबर ही होता है, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वही चीज़ है। अब टाइप ऑफ मेंटेनेंस देखते हैं, तो टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रॉपर ढंग से दो तरह का होता है, अनप्लान मेंटेनेंस और प्लान मेंटेनेंस। लेकिन अनप्लान मेंटेनेंस के अंदर भी मेंटेनेंस बहुत तरह का मेंटेनेंस आता है, लेकिन हम शॉर्ट में ही लिए तीन टाइप का मेंटेनेंस लिए। इसके अंदर भी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस एक बड़ा टॉपिक है। इसमें ध्यान देना है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जरूर पूछा जाएगा।
फिर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि कौन सा अनप्लान्ड है या कौन सा प्लान है, या कौन सा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में क्या चीज़ होता है, या जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है उसे किस नाम से जानते हैं, रूटीन मेंटेनेंस है कौन कौन सा, या फिर ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया या थ्योरी जो होगा उससे पूछ लेगा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है और मेंटेनेंस के बारे में बताओ, ये टॉपिक कन्फर्म ये पूछ लेगा इससे आता ही है। अनप्लान मेंटेनेंस के अंदर क्या चीज़ हम देखेंगे, तो पहला हो गया ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, दूसरा का हुआ अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस, तीसरा का हुआ करेक्टिव मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस हम लोग पहले देखेंगे, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहने का मतलब है कि कहीं पर बड़ा बड़ा कंपनी में ये चीज़ होता है कि अगर बार बार हम उसको मेंटेन छोटा छोटा चीज़ के लिए भी मेंटेन करते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हाई तक चला जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर वे में बार बार छोटा छोटा चीज़ के लिए हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में ये होता है कि कोई माइनर डिफेक्टिव अगर मशीन में आया तो उसको थोड़ा वही लुब्रिकेंट का जो भी ज़रूरत है वो चीज़ किया जाता है, लेकिन मेजर जो मेंटेनेंस का चीज़ हुआ वो इसमें नहीं किया जाता है। कब किया जाता है, जब पूरी तरह से मशीन खराब हो तब किया जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस में होता है। अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस करने का मतलब है कि औसत वो मशीन खराब हो जाएगी तब उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जैसे सर, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है कि हम उसमें लुब्रिकेशन देखते रहेंगे, उसका कंडीशन टेम्परेचर वगैरह देखते रहेंगे, वो सब छोटा बहुत देखते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा मेजर पार्ट चेंजिंग करने का जब बात आएगा तो उसको उस टाइम पे करेंगे जहाँ की कोई और चीज़ हो वो पूरी तरह से खराब हो जाए, तब उसको मेजर डिसएडवांटेज उसमें आएगा तब उसको चीज़ करेंगे। हमें तो छोटा बहुत है तो लुब्रिकेशन उसमें प्रॉपर होते रहता है। अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस करने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी अवसर, हमको अवसर मिलता है कि इसके साथ भी इसको कर सकते हैं। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जब होता है तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस मान के चलिए किसी का बाइक ही चलाते हैं तो बाइक में सर्विसिंग वर्विसिंग जब होता है तो उसमें सर्विसिंग तो दूर की बात है, लेकिन जैसे मान के चलिए क्लच प्लेट जल गया या गाड़ी पंचर हो गया, पंचर जब हो गया तो गाड़ी तो मेरा चलेगा नहीं, तो वो हो गया ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, जबकि वो पंचर हो गया। कभी होता है कि आवाज़ कम ये हो गया कि मतलब वो प्लान नहीं कब पंचर हो जाएगा कब क्लच प्लेट जल जाएगी, ये प्लान नहीं होता, ये सडन होता है। जी सर, और इसमें अपॉर्चुनिटी है कि जब हम पंचर बनाने गए तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक टाइट भी करवा लिए, तो ये हम यहाँ से सोच करके नहीं गए थे कि हमारा ब्रेक टाइट भी करवाना है, हमको कुछ काम भी करवाना है, मोबिल चेक भी कराना है, वो सब चेक हम सोच करके यहाँ से नहीं गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर लिए। जैसे होता है कि हम मेडिकल में गए, मेडिकल में गए कोई बड़ा इशू है, हमको ये हुआ है कोई बड़ा इशू है, अब उसमें हम बीपी चेक करा लिए, फीवर चेक करा लिए, तो इस तरह से जो भी है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किए, जो इसके लिए खर्चा करेंगे उसी खर्चा में इसको भी हो जाएगा। तीसरा का है कॉरेक्टिव मेंटेनेंस, कॉरेक्टिव मेंटेनेंस करने का मतलब कि पूरी तरह से जब तक मशीन ठप ना हो जाए तब तक हम उसमें कोई काम नहीं करेंगे, लुब्रिकेशन तक नहीं देंगे, जो प्रॉपर वे में चल रहा है मशीन चल रहा है, इसके लिए होता है कॉरेक्टिव मेंटेनेंस। कॉरेक्टिव मेंटेनेंस होता है, कॉरेक्टिव मेंटेनेंस करने का मतलब पूरी तरह से जब तक मशीन बैठ ना जाए तब तक उसमें कोई काम नहीं करेंगे, ये चीज़ होगा कॉरेक्टिव मेंटेनेंस। फिर प्लान मेंटेनेंस हुआ, ये चीज तो देखिए, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस देख लिए, अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस तो देख लिए, कॉरेक्टिव मेंटेनेंस वो चीज़ है। कॉरेक्टिव मेंटेनेंस इन दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस वर्क आर टेकन टू बी रिस्टोर द इक्विपमेंट व्हिच लाइकली फेल और ऑलरेडी फेल, इट इंक्लूड फॉर्म ऑफ ऑफ लाइक एडजस्टमेंट ऑफ मेजर मेंटेनेंस वर्क एंड रीडिजाइन ऑफ द मशीन। इसमें कहने का मतलब कि पूरी तरह से जब तक मशीन ठप ना हो जाए तब तक उसमें कोई काम नहीं करते हैं, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं करते हैं, उसमें कॉरेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। और आता है प्लान मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस करने का मतलब है कि हम सोचे समझे रहते हैं, उसको रूटीन बना करके रखते हैं कि हमको किस तरह किस टाइम पे कौन सा मेंटेनेंस देने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है, तो प्लान मेंटेनेंस आता है। प्लान मेंटेनेंस में तीन आता है, पहला रूटीन मेंटेनेंस है, तो रूटीन मेंटेनेंस है कि जो हम चार्टशीट तैयार करके रखते हैं और रूटीन वाइज हम उसको मेंटेन करते हैं कि हमारा इस मान के चलिए कि सभी नया गाड़ी ली है तो नया गाड़ी में होता है कि हाँ 1000 किलोमीटर चले या 1500 किलोमीटर चले उसके बाद हमको एक सर्विसिंग जरूरी है, तो वो प्लान मेंटेनेंस है कि हाँ 1000 चले तो उसमें एक सर्विसिंग जरूरी है तो जरूरी है, वो प्लान मेंटेनेंस रूटीन मेंटेनेंस के आता है।
ये एक सर्विसिंग हमको देना है, एक उसकी पहले से बनाया आपको है कि हमको किस चीज़ करना है। इट इज मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ प्लान मेंटेनेंस इन इट अ स्मॉल वर्क लाइक क्लीनिंग लुब्रिकेशन एडजस्टमेंट ऑफ बेल्ट एंड चेन आर ईटीसी आर डन इन सिटी। रूटीन मेंटेनेंस आर मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑन रेगुलर इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन एंड सर्विसिंग। रूटीन के अनुसार है, मान के चलिए कभी कभी होता है कि हम कोई भी छोटा मशीन है तो उसको डेली स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या उसमें डिफॉल्ट है ना है, उसको चेक करके ही उसको स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए हम कहीं जा रहे हैं तो प्री प्लान पहले से रहता है, तो रूटीन मेंटेनेंस के अनुसार होता है कि हमको डेली कुछ चीज़ देखना है, डेली हमको लुब्रिकेशन के बारे में देखना है, डेली हमको क्लीनिंग करना है उसको, हमको कहीं गाड़ी जा रहा है तो रूटीन मेंटेनेंस के मतलब ये भी है कि हाँ हमको पेट्रोल को भी देखना है कि हाँ वो उतना है कि नहीं, तो सब रूटीन मेंटेनेंस का आता है। एडजस्टमेंट बेल्ट एंड चेन वो तो एक अलग चीज़ है। रूटीन मेंटेनेंस हो गया, अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जो वेल प्लान मेंटेनेंस व्हिच इज कंसीडर इन एडवांस बिफोर द नीड ऑफ मेंटेनेंस लाइक फॉर मेंटेनेंस इज डन बाय मिनिमाइज द चांस ऑफ सडन फेलियर ऑफ मशीन एलिमेंट टू मिनिमाइज द अनएंटिसिपेट इन प्रोडक्शन। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का मतलब है कि पहले से वो चीज़ खराब होने वाला नहीं है, लेकिन हम पहले से उस पर तैयार रहेंगे कि हमको ये चीज़ करना है। मान के चलिए कि हमको कभी कभी होता है कि गाड़ी का क्लच प्लेट हाफ क्लच प्लेट चल जाता है, इस चीज़ सुने होंगे, तो ये चीज़ है कि हाफ क्लच प्लेट जल गया लेकिन हम उतना पे ही उसको चेंज करा दिए, ताकि हम जब हाफ क्लच प्लेट जल गया तो कहीं रास्ते में जाते जाते फुल क्लच प्लेट ना चल जाए, जिसकी वजह से मेरा काम बाधा में ना चल जाए। इस तरह से ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तहत आता है। ये कंपनी इस पे ज़्यादा ध्यान देता है, कंपनी इसलिए ज़्यादा ध्यान देता है कि मान के चलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो करता है कि हमारा 2400 घंटा काम होता रहे, कभी वर्कर बैठे नहीं, इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कंपनी के एटीट्यूड में देखा जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को। दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज डन मिनिमाइज द चांस ऑफ सडन फेलियर। ये सडन फेलियर का जो होता है चांस होता है उसको कम कर देता है, सडन फेलियर का चांस को कम कर देता है, मिनिमाइज द अनएंटिसिपेटेड प्रोडक्शन लॉस। अब डिजाइन आउट मेंटेनेंस। डिजाइन आउट मेंटेनेंस होता है जैसे कि ये कंपनी का चीज़ है, कंपनी में डिजाइन आउट मेंटेनेंस होता है कि जैसे कोई नया गाड़ी लॉन्च हुआ उसका जो डिजाइन अलग नया मार्केट में डिजाइन वाला आया तो उस पर जो मॉडिफिकेशन होता है, तो मॉडिफिकेशन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ जैसे एक पल्सर का पल्सर आया था वो विदाउट साइलेंसर वाला, तो उसमें जो साइलेंसर बड़ा वाला होता है जो कि नहीं था छोटा वाला था, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम पहले आ रहा था कि वो हीट हो जा रहा था, हीट होने उसमें आवाज क्यों आती है, क्या चीज़ निकाल देती जो आवाज आ रही है उसमें अंदर का एक। अरे बोलो नहीं यार, तुम लोग तो निकाल के चलाते हो। नहीं सर उतना नहीं है। हाँ सर जो आवाज हट के नहीं आती है बहुत उसमें कुछ एरर आता है, जैसे जो बैटरी वाला गाड़ी आया था उसमें काफी डिसएडवांटेज देखा गया था कि कभी कभी चलते चलते आग होने से आग लग जाता है, तो वो चीज उसको बैटरी वाले गाड़ी इलेक्ट्रिक बाइक सर उसमें कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, वो सब पे इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑपरेशन कंडीशन की वजह से वो सब जो चीज़ हो रहा है। लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लो है,
डेविएशन फ्रॉम द क्लोज टॉलरेंस फ्रॉम लेकिन प्रोडक्ट ये जो क्लोज टॉलरेंस से वो डेविएट कर जाता है जिसके वजह से कुछ कुछ अच्छा एरर उसमें आता है। तो ये तो मेंटेनेंस है, टाइप ऑफ मेंटेनेंस है जो प्लान मेंटेनेंस का अंदर ही आता है। अब एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस देखेंगे, एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस क्या क्या चीज़ है। एक चीज़ और एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस मतलब ग्रेटर प्लान एक्टिविटी एबिलिटी, लेस कॉस्टली, हाई लेवल ऑफ आउटपुट, ग्रेटर यूटिलाइजेशन, ये सब जो है मेंटेनेंस जब हम लोग करेंगे उसमें कम कॉस्ट आएगा एज कम्पेयर टू मशीन। अगर हम प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस करते रहेंगे तो मशीन को डैमेज होने से बचाएंगे। तो जो कि मेंटेनेंस करना एक बड़ा मशीन के अपेक्षा में लेस कॉस्टली होता है। हाई लेवल ऑफ आउटपुट, जब मेंटेनेंस प्रॉपर वे में होते रहेगा तो उसका आउटपुट रहेगा हाई लेवल रहेगा। और ग्रेटर यूटिलाइजेशन, मेंटेनेंस ये चीज़ है कि इसका हर फील्ड में यूटिलाइजेशन है, हर फील्ड में इसको यूज करते हैं। ये चीज़ है सर्विसिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ नॉट ओवर इम्प्रूव बजट कंट्रोल, ये इम्प्रूव बजट कंट्रोल को पता है। इम्प्रूव बजट कंट्रोल मतलब बजट को इम्प्रूव करता है, बजट कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। जैसे बजट कंट्रोल ये चीज़ होगा कि हम उस पर ज़्यादा चीज़ नहीं करें, उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करें, बजट को कंट्रोल करता है। मान के चलिए इस चीज़ होगा मेंटेनेंस करने से होता है कि लेबर कॉस्ट प्रॉपर टाइम में अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं मशीन को तो लेबर कॉस्ट घट जाता है, प्रोडक्ट रेट बढ़ जाता है, उसमें इफिशियंसी उसका बढ़ जाता है। तो ये सब एडवांटेज है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल बजट। आप बड़ा बड़ा मेंटेनेंस होता है कि एक एक के कंपोनेंट होता है, बड़ा बड़ा मशीन का एक एक कंपोनेंट होता है लाख लाख रुपया का। आप उसमें चेंज करने के लिए मेंटेनेंस अगर उस चीज़ को हम प्रॉपर वे में करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे तो हमारा बजट छिल जाएगा। तो भी इसमें दिक्कत है, सेफ्टी इशू भी से पार्टी को मेंटेनेंस में है। सेफ्टी इशू कभी कभी होता है कि बड़ा मेंटेनेंस करने की वजह से मेंटेनेंस करने के दौरान किसी तरह का अनहोनी भी हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। टाइम कंज्यूमिंग जब हम मेंटेनेंस कर ही रहे हैं तो उसमें तो स्वाभाविक बात है कि टाइम तो लेगा ही लेगा। इनसफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इनसफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये नहीं चाहते हुए भी इसमें खर्च करना पड़ता है वो चीज़। इनडायरेक्ट कॉस्ट, हाँ मेंटेनेंस में है जो कि डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं लगेगा लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें लगता है। जब ये चीज़ होता है कि हाँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है एक अपना अलग बजट तैयार करके रखता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी हालात में वो चीज़ हमको कब मशीन है कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें तो लगता है। हाई एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट भी लगता है। थैंक यू। धन्यवाद।